नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। ये कैसी विडंबना है कि भाजपा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अपने कार्यक्रमों में करने के बजाय खुलेआम उनकी अवहेलना कर रही है। यही क्यों उत्तर प्रदेश के बाहर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा अध्यक्ष सहित अन्य भाजपाई अपनी रैली और रोड शो कर रहे हैं। क्या वहाँ कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है? जहाँ भाजपा रैली करने जाती है, जहाँ सभाएं करने जाती है, वहाँ से कोरोना दूर हो जाता है क्या? वैसे भी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहाँ भाजपा नेतृत्व समाज में तनाव पैदा करने के लिए घूम रहा है। भाजपा की राजनीति का एजेंडा सामाजिक विध्वंस और बंटवारा पर आधारित है। बदले की भावना से विपक्ष पर फर्जी केस लादने के साथ नफरत फैलाकर ही वह समाज को बांटने का काम करती है। भारतीय संविधान की उद्देश्य का के प्रतिकूल भाजपा अपने एकाधिकारी मानसिकता से राजनीति में वैचारिक प्रदूषण फैला रही है। जनता अब स्वस्थ इस पर नियंत्रण करने के लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2022 में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, हमें उत्तर प्रदेश को हमारे उत्तम प्रदेश बनाना है अखिलेश यादव जी को जिता के। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार।